उन्नाव में पीआरवी पुलिसकर्मियों की गुंडई, जनता को मास्क पहनने का पाठ पढ़ाने के दौरान किया हंगामा, बौखलाए सिपाही छात्र को कोतवाली ले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लॉन्च किया उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण। बुंदेलखंड के महोबा से हुई योजना की शुरुआत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में हुए शामिल। योजना के लाभार्थियों से भी पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएंगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होंगी। इसीलिए बीते 6 से 7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। पीएम ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने हैं। इन घरों में अधिकतर मालिकाना हक महिलाओं का है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई हैं। तो सौभाग्य योजना के जरिए करीब 3 करोड़ गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपके अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से कहा, उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के कई जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में करीब 21 लाख घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का प्रयास इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करोड़ों गरीब परिवारों के लिए स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन को सुनिश्चित कर रहा है। गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना से धुएं और लकड़ी के झंझट से मुक्ति मिली है। इस योजना ने मिट्टी तेल की खपत को भी कम किया। रक्षा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा भी इसके माध्यम से हुई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उज्ज्वला योजना के जरिए उत्तर प्रदेश की महिलाओं के जीवन में नया सवेरा हुआ है। पीएम मोदी की इस योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदल गया है, करोड़ों लोगों तक इसका फायदा पहुंचा है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा, पीएम ने बुंदेलखंड के विकास के द्वार खोल दिए हैं। बलिया जिले से 2016 में शुरू की गई उज्ज्वला योजना अब तक 5 करोड़ से अधिक परिवारों को रोशन कर चुकी है। सीएम योगी ने की राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की शुरुआत, हेल्थ वॉरियर पोर्टल को भी किया गया लॉन्च। इस मौके पर सीएम ने कहा, किसी भी महामारी में पहला उपाय बचाव है। कोरोना प्रबंधन में यूपी ने अच्छा काम किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यूपी कमजोर माना जाता था, लेकिन आज यूपी के पास 4 लाख टेस्ट करने की क्षमता है। हर जिले में कोविड कंट्रोल सेंटर काम कर रहे हैं। आज टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में यूपी नंबर 1 पर है। सीएम ने बताया, निगरानी समितियों की 72,000 टीमें लगाई गई। निगरानी समितियां घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। कोरोना वॉरियर्स ने निगरानी समितियों को मार्गदर्शन किया। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी के मॉडल की तारीफ हुई। प्रतापगढ़ से सांसद संगम लाल गुप्ता को धमकी, 5 करोड़ की फिरौती की रकम के लिए सांसद को आया फोन। सांसद संगम लाल ने थाने में दर्ज कराई FIR। पहले भी डॉन रवि पुजारी की तरफ से मिली थी धमकी, दिल्ली पुलिस और साइबर सेल मामले की छानबीन में जुटा। रामपुर से सपा सांसद आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पैन कार्ड मामले में आजम खां को मिली राहत, आजम खां और अब्दुल्ला आजम को मिली जमानत। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी का बैकवर्ड कार्ड, फूलन देवी के जन्मदिन के बहाने निषाद वोटरों पर नजर, पिछड़ों को जोड़ने की मुहिम को दी रफ्तार। सपा पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष और MLC राजपाल कश्यप आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल, भाजपा पर साधा निशाना। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राशिद अल्वी ने BJP पर साधा निशाना, कहा पीएम मोदी सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं। बोले पीएम 11 दिन में पाकिस्तान को भारत का हिस्सा बना सकते हैं तो कांग्रेस उनके साथ, धार्मिक उन्माद फैलाने का लगाया आरोप। पंद्रह सितंबर के बाद प्रदेश भर में गड्ढे भरने का महाअभियान होगा शुरू। PWD के अधीन सभी सड़कों की बारिश थमते ही शुरू हो जाएगी मरम्मत, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभियान चलाने के दिए निर्देश। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से हो रहा कम, खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर नीचे पहुंचा घाघरा का जलस्तर।
बलिया जिले के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने बैरिया तहसील क्षेत्र का दौरा कर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मंत्री के निरीक्षण के दौरान बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों ने मंत्री को अपनी समस्याएं बताई, जिसको लेकर मंत्री ने प्राकृतिक आपदा का हवाला दिया और पीड़ितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कही। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लगातार भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त। तोता घाटी के पास पहाड़ टूटने से आवाजाही ठप, भूस्खलन का वीडियो आया सामने। हमीरपुर जिले में नाराज बाढ़ पीड़ितों ने अपनी समस्याओं को लेकर जाम लगा दिया। जिला प्रशासन से मदद की मांग की, पुलिस और अधिकारियों के समझाने पर लोगों ने जाम हटाया। औरैया में यमुना का जलस्तर कम होना शुरू, पानी कम होने से राहत महसूस कर रहे लोग। प्रशासन लगातार कर रहा है राहत बचाव कार्य। हमीरपुर में यमुना और बेतवा दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। 157 गांव बाढ़ से प्रभावित, यहां के लोगों में दहशत का माहौल। बाराबंकी जिले की 3 तहसीलों में घाघरा नदी का कहर, रामनगर, रामसने घाट और सिरौली गौसपुर तहसील के सैकड़ों गांवों को बाढ़ ने चपेट में लिया। आज भी लोग लंबे वक्त से नदी के बांध पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर की वजह से कई किसानों की सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है। अब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराया। जालौन में यमुना नदी का जलस्तर घटना शुरू हो गया, हालांकि यमुना खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। प्रशासन की माने तो जिले में 60 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में रौद्र रूप में बह रही गंगा, पानी के तेज बहाव से बेखौफ बच्चे और युवा लगा रहे गंगा में छलांग। प्रेमनगर के पुल से पानी में कूदने का वीडियो आया सामने। चंदौली में लगातार बिगड़ रहे बाढ़ से हालात, गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से अब मुगलसराय, चहानिया, गाजीपुर रोड पर जलजमाव हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। वाराणसी में गंगा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के साथ साथ गंगा की सहायक नदियां भी उफान पर हैं। वहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। कानपुर में यमुना नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। यहां घाटमपुर में नदी के तटवर्ती गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। पूरा गांव मानो टापू में तब्दील है। नदी का पानी घरों में घुस गया। कुछ लोग तो घरों की छतों पर जाकर अपनी जान बचा रहे हैं। बांदा में नदी में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत, बाढ़ में नहाते समय गहरे पानी की चपेट में आने से गई जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चिल्ला थाना क्षेत्र के तारा गांव की घटना। कानपुर में बाबा स्वीट हाउस के पास बनी बिल्डिंग में फटा सिलेंडर, बड़ा हादसा होते होते टला, परिवार की बची जान। सिलेंडर फटने के बाद घर का सामान हुआ क्षतिग्रस्त। अमरोहा में पति ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को खेत पर ले जाकर उतारा मौत के घाट। पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी लगाई फांसी, जंगल के पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मुरादाबाद की रामगंगा नदी में आया उफान, नदी में गिरने से डूबा शख्स लापता। लोगों की सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों को तलाश में लगाया। खटीमा नगर में सब्जी मंडी के पास ट्रक ने स्कूटी पर सवार महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी पर सवार बच्चे की मौत हो गई और मां गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। अगस्त में पहली बार देश में 30,000 से कम 28,208 कोरोना मामले सामने आए। 373 संक्रमितों की गई जांच। 24 घंटे में 41,511 लोग कोरोना से ठीक। 13,680 एक्टिव केस हुए कम। अब तक 3,19,98,158 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोविड कर्फ्यू, राज्य सरकार ने एक सप्ताह और बढ़ाया कर्फ्यू। कोविड कर्फ्यू को 17 अगस्त तक बढ़ाने का सरकार ने लिया फैसला। बरेली में मानव तस्करी के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं और एक युवक को गिरफ्तार किया। महिलाएं स्वयं सहायता समूह की आड़ में छोटे बच्चों का अपहरण कर उन्हें बेच देती थी। पुलिस ने 5 महीने की बच्ची को भी किया बरामद।
शामली के झाल गांव में प्राइमरी स्कूल परिसर में फांसी पर लटका मिला युवक का शव। मृतक के पिता ने गांव के ही चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। कानपुर पुलिस ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। रिटायर्ड इंस्पेक्टर पर नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाने का आरोप था। आरोपी को मनमानी कार्रवाई के चलते नौकरी के दौरान उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। गाजियाबाद के डास्ता मंदिर में साधु पर जानलेवा हमला। ज्ञात शख्स ने धारदार हथियार से किया वार। घायल साधु को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर के बरामदे में सो रहे थे साधु। हमले के बाद हमलावर फरार। कौशाम्बी में खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप। तेजाब डालकर जिंदा जलाए जाने की आशंका। शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पिछले 35 सालों से बैटरी की दुनिया में धूम मचा रही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ओकाया ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की दुनिया में भी बढ़ाया कदम। यूपी में पहला शोरूम नोएडा के सेक्टर 5 में विदित मोटर्स के नाम से खोला गया। कंपनी ने अपने चार मॉडल इस शोरूम में लॉन्च किए हैं जो 5 रंगों में उपलब्ध हैं, जिनकी शुरुआती कीमत 39,999 रुपए से लेकर 59,990 रुपए तक है। स्कूटी को एक बार चार्ज करने में 9 से 10 रुपए का खर्च आता है और सिंगल चार्जिंग में ये इलेक्ट्रिक स्कूटी 60 से 70 किलोमीटर का सफर तय करती है। यानी पेट्रोल की अपेक्षा में इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाना बेहद किफायती है। 1.5 साल में स्कूटी से आप 40,000 तक की बचत कर सकेंगे। नोएडा के सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल में एयर प्यूरिफायर ऑक्सीजन प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया। इस प्लांट के जरिए हॉस्पिटल के 300 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई होगी। खास बात यह है कि ये प्लांट हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। मथुरा में हरियाली तीज के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और परिक्रमा के लिए वृंदावन में श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बनाई योजना। श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग व्यवस्था का इंतजाम। उनके लिए ई रिक्शा का होगा संचालन। वाराणसी में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने डीएम और पुलिस कमिश्नर के साथ वरुणा से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले में दाखिल याचिकाओं पर की सुनवाई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की। पक्षकारों से कहा, अनुशासित रहें, सिस्टम पर रखें विश्वास, सोशल मीडिया और वेबसाइटों पर मुद्दों पर बहस करने से बचें। रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन में अभद्र टिप्पणी का मामला। धर्म विशेष के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर दिल्ली पुलिस को कई लोगों की तलाश। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को भी तलाश रही पुलिस। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन सुबह करीब 9 बजे राहुल गांदरबल जिले के खीर भवानी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां भवानी के दर्शन करने के साथ पूजा अर्चना की। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत के बाद से चिराग पासवान की मुश्किलें नहीं हो रही कम। पिता रामविलास पासवान का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। चिराग पासवान को फिर से भेजा गया नोटिस। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सीआरपीएफ गश्ती दल पर आतंकी हमला। आतंकियों ने अचानक सुरक्षा कर्मियों पर की फायरिंग। एक जवान घायल। इलाके को घेरा गया। सर्च ऑपरेशन जारी। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में मिला जानलेवा मारबर्ग वायरस का पहला केस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी जानकारी। कहा, चमगादड़ों से फैलता है ये वायरस। इसकी मृत्यु दर 88% तक होती है। मंगलवार को भी बढ़त के साथ बंद हुए घरेलू शेयर बाजार। 151 अंकों के उछाल के साथ 54,554 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 21 पॉइंट्स के उछाल के साथ 16,280 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। लगातार 5 दिन की गिरावट के बाद देश में सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी। एमसीएक्स पर गोल्ड की कीमत 0.50% की बढ़ोतरी के साथ 46,089 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं चांदी के दाम 0.90% की बढ़ोतरी के साथ 63,198 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा ने कहा, ओलंपिक के लिए हमारी मेहनत रंग लाई। सभी के सहयोग से यहां तक पहुंचे हैं। कैंप के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी। फेडरेशन का भी जताया आभार।
पहले बेटे तैमूर का नाम सामने आने पर करीना सैफ को जमकर ट्रोल किया गया था, जिससे सबक लेते हुए सैफ करीना ने काफी समय तक अपने दूसरे बेटे के नाम का खुलासा नहीं किया था। करीना के दूसरे बेटे का नाम जहांगीर है। जहांगीर नाम रखने पर फिर ट्रोल हो रहे हैं सैफीना। हाल ही में मलाइका ने कुछ ऐसी फोटो शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर गदर मचाए हुए हैं। मलाइका ने साड़ी में ऐसे हॉट पोज दिए हैं कि जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। मलाइका हाल ही में बिग बॉस OTT के प्रीमियर में नजर आई थी। उन्होंने साड़ी में कमाल के लटके झटके दिखाए थे और अब उसी साड़ी में उन्होंने अपनी कुछ फोटो शेयर की है। अफवाहें हैं कि कियारा अडवाणी इन दिनों सिद्धार्थ को डेट कर रही हैं। इसी बीच इस रूमर्ड लव बर्ड्स का एक रोमांटिक वीडियो सामने आया है। कियारा और सिद्धार्थ ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों शेरशाह के गाने राता लंबिया लंबिया पर परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। बिना ब्लाउज वाली साड़ी में मौनी रॉय ने दिखाया अपना जलवा। बैकलेस तस्वीरों में दिखा उनका बोल्ड अंदाज। हरे कलर की बनारसी साड़ी में मौनी रॉय ने ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने इस साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं पहना है और इसमें वो बैकलेस अंदाज में दिखाई दे रही हैं। टाइगर श्रॉफ ने अपना सिंगिंग डेब्यू कर लिया है। उन्होंने शानदार गाना गाया है और इसका वीडियो अब आ गया है। काफी समय से फैंस टाइगर के इस देशभक्ति सॉन्ग का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस गाने को देश को समर्पित किया है। उनके गाने पर दिशा पाटनी ने भी कमेंट किया है।